कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार ने मादक पदार्थों पर टोटल प्रतिबंधित किया है, लेकिन इसके बाद भी शराब माफिया सक्रिय हैं। पन्ना जिले की गुरोर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सिंघासर में शराब जब्त की है। थाना प्रभारी गुनोन उदित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सिंघासर में आरोपी भरत सिंह पिता श्री पूरन सिंह परमार उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 4 प्लास्टिक के गुम्मे व प्लास्टिक के कंटेनर हाथ भट्टी से बनी हुई महुआ की कच्ची शराब जब्त की है। करीब 56 लीटर बताई जा रही है, जिसकी कीमत 10,230 रुपये बताई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चद्दर का पीका, एक स्टील की बाल्टी जिसमें सड़ा हुआ महुआ भरे की कीमत 150 रुपये, प्लास्टिक की बोरी में 30 किलो महुआ कीमत करीब 600 रुपये जब्त की है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये सुबह रोज की तरह मैं जो आइसोलेशन सेंटर क्वारंटाइन सेंटर है तो घाट सिमरिया में विजिट करने गया हुआ था अपनी टीम के साथ। वहाँ पर सूचना आने पर कि जो है सिंघासर में कच्ची शराब का जो है कारोबार चल रहा है, मैंने महम राही बल के साथ बाकी टीम को भी सूचित किया और हमारी लगभग टीम वहाँ पर पहुँची और जाकर सीधे रेड करी और भरत सिंह परमार के मकान पर जाकर के रेड हुई। एक हमारी टीम पहले पहुंच गई, 5 मिनट बाद हमारी दूसरी टीम पहुंची। उस पर लगभग हमें 56 लीटर कच्ची शराब, महुआ लगभग 30 से 35 किलो, एक कनस्ट्रा जिस पर कच्ची शराब महुआ से बनाते हैं और एक टीन वो बाल्टी जिसमें कच्ची शराब और महुआ का वो पानी मिला। इसके अलावा जैसे ही आरोपी पकड़ में आए वो छत से कूद गया। जैसे ही हमारी दूसरी टीम पहुंची, हमने उसका जो है पीछा किया और आरोपी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर भागा रोड पर और हमारे आरक्षक जो हमारे गाड़ी चालक भी है ब्रिजेश और राघव पांडे जी हमारे मुंशी जो इस पूरे टीम को कार्यक्रम को लीड कर रहे थे और उसके पीछे भागे। लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछा करने के उपरांत वो अपराधी नदी में कूद गया और ये हमारी तत्परता थी कि हमारा ये उद्देश्य था कि आरोपी को ज़रूर पकड़ना, तो ब्रजेश ने नदी में छलांग लगाकर आरोपी को पकड़ा। इसके तत्पश्चात हमने पूरी कार्रवाई को पूरी वहां से जब्त कर आरोपी को लाया और पूरी कार्रवाई। शराबबंदी के बावजूद भी क्षेत्र में लगातार शराब बंटने की खबरें आ रही हैं और कार्रवाइयाँ भी लगातार जारी हैं, तो ऐसे में सूचना आती है हम ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई करते हैं। पिछले एक महीने में आप थाने में देखेंगे लगभग 6 से 7 आबकारी के जो है हमने कार्रवाइयाँ करी हैं और जैसे ही कहीं पर भी सूचना मिलती है आप ट्रैक उठा कर देख सकते हैं कि गुनौर थाना लगातार मोबाइलिंग करके और हर जगह पहुँच करके कार्रवाई करने के लिए तत्पर है।